आरसीबी का फैन कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ले हम तो उसी दिन बोले थे कि नहीं नजर आएगा, हम बोले थे ना आपको कि बाबू घबराओ नहीं, अगला मैच होने दो, रुमाल रख के तुम भी रो गया, तुम नजर भी नहीं आओगे। देखिए आज को नजर आ रहा है आरसीबी। आप किस हिसाब से कहते हैं कि विराट कोहली पनौती है, उसकी औरत पनौती है? आरसीबी जब जीतता नहीं है तो खेलता कहाँ है भाई? वैसे तो कुत्ता भी गाड़ी के पीछे भागता है, कुत्ता को गाड़ी थोड़ी चलाना रहता है। ये बात भी सही है। अच्छा एक बात बताइए, आप आरसीबी के हारने का 5 कारण बताइए। आरसीबी के हारने का 5 कारण देखिए भैया, आरसीबी के जो विराट कोहली हैं अच्छा खिलाड़ी है, मानते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन भैया पनौती है वो। मानते हैं आपकी विराट कोहली पनौती है? बहुत बड़का। 5 कारण बताइए आप हमको। 5 कारण ये है भैया कि एक तो वो पनौती है, दूसरा उसकी पत्नी पनौती है, अच्छा, तीसरा कारण कि मैच के दौरान अभी अग्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। हारने के बाद रुमाल रख के रोते हैं। रुमाल नहीं मिला तो ये टोपी रख, हम तो उस दिन ही बोले थे कि जाने दीजिए एलिमिनेटर में हार जाएगा, हम बोले थे आपको। अच्छा आप कहे थे कि विराट कोहली चाय कप के अलावा जो है वो आज तक कोई कप नहीं देखा है, लगता है आप ये बात बोले फिर मैच हार गया। आरसीबी को अगर आईपीएल विजेता बनना है तो क्या करना होगा? इस साल इस जन्म कप रहन दे भैया, इस जन्म कप रहन दे विराट कोहली के लिए, कह रहे हैं हाँ। इस जन्म में कप मुश्किल, विराट कोहली को इस जन्म में कप मिलेगा ही नहीं, नहीं। नसीब में नहीं, नसीब में नहीं है, इतना बड़ा पनौती मानते हैं तब क्या और क्या हम कहें इससे ज्यादा, जब खुद ही देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। जो आरसीबी कल तक पंख लगाकर आसमान में उड़ रही थी, राजस्थान रॉयल्स ने उसका पंख कतर दिया और इस कदर जमीन पर आरसीबी गिरी कि शायद अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। इस पूरे मैदान में कल तक आरसीबी के जो चाहने वाले थे, प्रशंसक थे, वो कूद रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि आरसीबी इस बार फाइनल जीतेगी। कहते थे इस साला कप नाम दे। अब लोगों को लग रहा था कि कब कप आएगा कोई पता नहीं। हमारे साथ दो चेन्नई के प्रशंसक मौजूद हैं, पहले ये सीनियर हैं, इनसे हम जाने का प्रयास करें काहे हार गई कल विराट कोहली की टीम। विराट कोहली की टीम जो है, आरसीबी बेंगलोर की जो टीम है, वो आईपीएल का एक भी टाइटल नहीं जीत पाएगी, क्योंकि विराट कोहली बहुत ज़्यादा जीतने के बाद उत्तेजना में आ जाते हैं और क्या बोला जाता है उसको, एक मोटिवेशनल थॉट जिसे बोला जाता है, अच्छा नहीं रहता है। जितने भी एक्सपर्ट हैं हमारे क्रिकेट के, जैसे सुनील गावस्कर हो गए, इरफान पठान हो गए, भारत के पीछे जितने सारे एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, उनका मानना है कि विराट कोहली जो है प्लेयर अच्छे हैं, मगर वो टाइटल आईपीएल का अपने नाम नहीं कर पाएंगे, ऐसा सारे का मानना है, जितने भी एक्सपर्ट क्रिकेटर हैं भारत के, उनका मानना है। विराट कोहली अकेले दम पर किसी भी टीम को कोई एक जिता नहीं सकता है बंदा, और विराट कोहली ने पूरे इस आईपीएल के सीजन में अच्छा खेला है, अच्छा खेलने के बावजूद भी उनकी टीम प्लेऑफ में गिरते भजरते चेन्नई के अंतिम मुकाबले में पहुंची थी, और कल जो एलिमिनेटर का मुकाबला था राजस्थान के साथ, काफी अपेक्षा थी विराट कोहली से और उन्होंने रन बनाया नहीं, और ज्यादा रन अगर बनाते 200-250 के आसपास रन होती तो विराट कोहली वाली टीम जो बेंगलोर की टीम थी वो जीत जाती, मगर इस बार ऐसा हुआ नहीं और फिर से अगले साल का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ चेन्नई के एक बहुत बड़े प्रशंसक मौजूद हैं। अरे आरसीबी जब जीतता नहीं है तो खेलता कहाँ है भाई? वैसे तो कुत्ता भी गाड़ी के पीछे भागता है, कुत्ता को गाड़ी थोड़ी चलाना रहता है। ये बात भी सही है। अच्छा एक बात बताइए, आप आरसीबी के हारने का 5 कारण बताइए। आरसीबी के हारने का 5 कारण देखिए भैया, आरसीबी के जो विराट कोहली हैं अच्छा खिलाड़ी है, मानते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन भैया पनौती है वो। मानते हैं आपकी विराट कोहली पनौती है? बहुत बड़का। 5 कारण बताइए आप हमको। 5 कारण ये है भैया कि एक तो वो पनौती है, दूसरा उसकी पत्नी पनौती है। अच्छा अब एग्जांपल कोई पूछ दे कि कैसे पनौती है अनुष्का शर्मा तो बताते हैं, और कैसे पनौती है विराट कोहली भी बताते हैं, शादी के तो 2-3 साल से ऊपर हो गया होगा, है ना। उसके बाद बताइए, शादी होने के बाद एक भी फिल्म बना पाई है अनुष्का शर्मा? नहीं बनाई है, तो यहीं से देख लीजिए। क्रिकेट भी इनका फ्लॉप चल रहा है, क्रिकेट भी साथ में फ्लॉप चल रहा है। तीसरा कारण कि मैच के दौरान अभी अग्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। अब हारने के बाद रुमाल रख के रोते हैं। रुमाल नहीं मिला तो ये टोपी रख, हम तो उस दिन ही बोले थे कि जाने दीजिए एलिमिनेटर में हार जाएगा, हम बोले थे आपको।
अच्छा आप कहे थे कि विराट कोहली चाय कप के अलावा जो है वो आज तक कोई कप नहीं देखा है, लगता है आप ये बात बोले फिर मैच हार गया। हाँ वो तो हम बात सही है बोले थे, आरसीबी का फैन कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ले हम तो उसी दिन बोले थे कि नहीं नजर आएगा, हम बोले थे ना आपको कि बाबू घबराओ नहीं, अगला मैच होने दो, रुमाल रख के तुम भी रोओगे, तुम नजर भी नहीं आओगे। देखिए आज को नजर आ रहा है आरसीबी। अच्छा, आप किस हिसाब से कहते हैं कि विराट कोहली पनौती है, उसकी औरत पनौती है? हम देखिए भाई आपके सामने रिजल्ट है, 17 साल हो गया, चलिए 17 साल से अनुष्का शर्मा का बयान नहीं हुआ था, 3 साल से हुआ, अरे 3 साल में कहाँ जीता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सीएसके को हरा दिया, आप सीएसके के प्रशंसक हैं, आपको बुरा लग रहा है? ना ना ना, हम तो खुश हैं कि धोनी को एक बार और देखने को मिलेगा। क्या बात, हम इसीलिए तो खुश हैं, धोनी मौका दिया इन लोगों को कि इस बार कप ले लो, अगला बार फिर हम छोड़ने वाले। ऐसे ही लेजेंड थोड़ी कहलाते हैं धोनी, ऐसे ही लेजेंड थोड़ी कहलाते हैं, वो तो और कहें कि जाओ मेरा आशीर्वाद दिए हैं, बिल्कुल वो आशीर्वाद दिए हैं कि जाओ तुम इस बार जीतो, हम मौका। अच्छा, ये आरसीबी के जितने फैंस थे वो एमएस धोनी के जो फैन थे, चेन्नई के समर्थक थे, उनके साथ मारपीट का भी कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हाँ ये भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने आज भी देखा कल भी देखा कि बेंगलोर में जो मैच था वहाँ पे चेन्नई के कुछ सपोर्टर गए हुए थे, उनके साथ व्यवहार सही ढंग से नहीं किया गया, उनके साथ मारपीट का ये रहा, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसी यही रीजन था कि कल स्टेडियम में देखेंगे मात्र 5 खिलाड़ी, 5 ऐसे लोग थे जो सीएसके के जर्सी में बैठे थे, बिल्कुल, और जब जब विकेट ये हो रहा था चाहे छक्का चौका लग रहा था, खुशी का कहना नहीं था उन लोगों का। भाई पांच को अलग है माहौल बनाए हुए, माहौल बनाए हुए था अकेले 5 को मिलके, और 5 एक एक ग्रुप के होंगे भी कह दे रहे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये इस बार जो है आईपीएल 2024 का जो विजेता है वो कौन होगा? हमारे अनुसार से देखिए कोलकाता जो है अभी काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, और उसका बैटिंग लाइनअप, इनफैक्ट बॉलिंग लाइनअप भी उसका काफी तगड़ा है, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गए हैं, निहर्षित राणा हो गए हैं, वैभव अरोरा हो गए हैं, खुद मिचेल स्टार्क हैं, जबकि देखिए एक कहावत है जहर जहर को काटता है, रवि सेड और मार्क मिचेल स्टार्क दोनों एक ही टीम के हैं, तो उनको पता है कि क्या रणनीति से रवि सेड को आउट करना है। तो बड़ा प्लानिंग है कोलकाता के पास, बहुत बड़ा प्लानिंग है इस बार हमारे अनुसार। देखिए मैच का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अनुसार कोलकाता इस बार फाइनल कप लेके जाएगी। क्या लगता है आपको इस बार आईपीएल 2024 का विजेता कौन हो सकता है? अभी तक तो कोलकाता फेवरेट है, क्योंकि सीएसके वाले जो फैन है, चेन्नई में फाइनल का मुकाबला है, और चेन्नई के विकेट जो आप जानते हैं ट्रैक स्पिनिंग ट्रैक होता है, और कोलकाता के पास अभी तक मे बी 2 ऐसी टीम है जो फाइट कर रही है, लड़ रही है, एक कलकत्ता है और एक राजस्थान है, जो कल आपको देखने को मिला एक अच्छी खासी बैटिंग यूनिट ओपनिंग साझेदारी होती थी फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली के बीच, हर एक टीम के बीच उन्होंने अच्छा रन बनाया, मगर कल इनको दोनों बल्ले जो सलामी बल्लेबाज थे इनको बांध कर रखा था, और राजस्थान के पास भी अच्छा स्पिन अटैक है और बॉलिंग अटैक है, और कलकत्ता के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है, तो हमें लगता है एक तरफ से तो कलकत्ता पहुंची हुई है, फेवरेट भी है, और दूसरी तरफ से मेरा मानना है कि राजस्थान ही पहुंचेगी फाइनल में, मेरा मानना राजस्थान ही पहुंचेगी और कप जीतेगी कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता के पास अभी यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है, एक हर एक डिपार्टमेंट आप देख ले, ये 3 डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट, तो बैटिंग डिपार्टमेंट में जहां तक एक फिल सॉल्ट थे वो चले गए, उसकी भरपाई अभी कर रहे हैं एक अफगानिस्तान खिलाड़ी है, वो क्या नाम है, गुरबाज आज उनका, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, और जो उनकी पुनरावृत्ति है वो कर रहे हैं, और फिर एक नारायण है, नारायण को तो सुनील नारायण को सब जानते भैया, चला गया तो तुक्का है ये, और उनके पास बॉलिंग भी है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, और अच्छे अच्छे बॉलर हैं, स्टार्क हैं जो वर्ल्ड विजेता है, आईसीसी चैंपियन या आईसीसी की ट्रॉफी दिलाया ऑस्ट्रेलिया को, उनके पास है, और चेन्नई में विकेट धीमा रहता है, तो मेरा मानना है कलकत्ता इस बार फेवरेट है, कलकत्ता ही जीतेगी। अच्छा आरसीबी को अगर आईपीएल विजेता बनना है तो क्या करना होगा? इस साल इस जन्म कप रहन दे भैया, इस जन्म कप रहन दे, विराट कोहली के लिए कह रहे हैं। हाँ इस जन्म में कप मुश्किल नहीं है, मुश्किल विराट कोहली को इस जन्म में कप मिलेगा ही नहीं, नहीं नसीब में नहीं है, नसीब में नहीं है, इतना बड़ा पनौती मानते हैं आप? तब क्या और क्या हम कहें इससे ज्यादा, जब खुद ही देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कल क्या हुआ। अब देखिए सिंपल सी बात ये कि आरसीबी को कप जीतना है तो विराट कोहली को भैया निकालना होगा। अरे बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ तब क्या, मतलब पनौती को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, तभी जीतेगा, तो मानते हैं विराट कोहली पनौती है। हाँ बिल्कुल पनौती है, इसलिए मैं कल कह रहा था, मेरा पोस्ट भी फेसबुक में
दो डाला था मैंने। पनौती इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक खिलाड़ी हर एक बंदा क्या होता है एग्रेशन से खेलता है, तो विराट कोहली बेंगलोर में टीम के ऐसे प्लेयर हैं जो बैकबोन कहे जाते हैं, मगर बैकबोन ही ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी उत्तेजना, लग रहा है कि वो कप ही जीत गए जैसे सीएसके कराए थे। मैं सीएसके का फैन जरूर हूं, मगर जो अच्छा खेला वो जीता। कल उन्होंने सीएसके वाले मुकाबले में सीएसके अच्छे नहीं खेली थी और विराट कोहली वाली टीम बेंगलोर की टीम अच्छी खेली थी, मगर क्या हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए तो विराट कोहली का एग्रेशन आपने देखा होगा। एक लीजेंड है वो, हर एक कप जीत चुके हैं, आईसीसी के सारे ट्रॉफी उनके पास हैं, 5 ट्रॉफियां हैं आईपीएल का, 4 या 5 ट्रॉफियां महेंद्र सिंह धोनी के पास है, और वो ट्रॉफी लेते हैं और ये अपने सारे बच्चों को दे देते हैं। कभी भी ऐसा उत्तेजना उनके अंदर नहीं देखा गया, ऐसा लीजेंड पर्सन के सामने ऐसा एग्रेशन करना उचित नहीं था विराट कोहली को। तो चलिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, और देखिए क्या कह रहे हैं। विराट कोहली सी हो गई है जिंदगी, टैलेंट तो बहुत है लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। समझ लीजिए और स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि विराट कोहली के नसीब में आईपीएल का कप ही नहीं, कोई टाइटल ही नहीं। इस बार अभी तक 17 साल हो चुका है इस आईपीएल के टाइटल का, एक भी टाइटल अपने नाम नहीं किया है। तो बेंगलोर हमें मानना है, जो विजय माल्या अभी तो फॉरेन में भागे हुए हैं, उनके बेटे जो है फरारी काट रहे, तो हमें मानना है कि विराट कोहली को छोड़ दे या खुद ब खुद अपने को ट्रोल कर देना चाहिए, विराट कोहली को छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और किसी टीम से खेलना चाहिए क्योंकि विराट कोहली जब तक बेंगलोर टीम में रहेंगे, बताइए इस बार क्या फेवरेट था। दो ऐसी टीम आईपीएल की जो सबसे सफल टीम मानी जाती है, एक मुंबई और एक चेन्नई, दोनों पहले प्लेऑफ से बाहर हो चुकी थी। ये बहुत ही सुनहरा मौका था विराट कोहली लेने का, कब लेने का, वो भी इस बार नहीं हुआ ना, ये सपना जो है उनका चूर हो गया। अब क्या लेंगे जब फिर से मुंबई और चेन्नई टीम बन जाएगी, तो फिर ये सब तो फिर उचित नहीं है। बिल्कुल पनौती है, पनौती रहेगी, मेरा मानना है आईपीएल के मुताबिक, इन्हें की आईसीसी की ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल मौका था, मौका विराट कोहली ने गवा दिया। अब उम्मीद करते रहिए और सपना देखते रहिए। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं सुमन राठौर, गया से।